वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बनी कल्पना सैनी, राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं डॉक्टर कल्पना सैनी। सैनी के विरोध में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया था। कल्पना सैनी ने सदस्य बनने पर पार्टी का धन्यवाद किया। विधानसभा सचिव ने सौंपा राज्यसभा सदस्य का सर्टिफिकेट। भाजपा की राज्यसभा के सदस्य पद की उम्मीदवार डॉक्टर कल्पना सैनी को निर्विरोध जीत हासिल हो चुकी है। हालांकि ये पहले ही संभव था। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने, जो चुनाव अधिकारी हैं, उनके द्वारा डॉक्टर कल्पना सैनी को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुने जाने पर सर्टिफिकेट सौंपा गया। और इस दौरान डॉक्टर कल्पना सैनी के साथ में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। कल्पना सैनी ने राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर धन्यवाद भी किया पार्टी का और सभी का आभार जताया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, साइन करते हुए निर्विरोध सांसद, राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं डॉक्टर कल्पना सैनी। हालांकि पहले ही इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि उनके बराबर में कोई भी नहीं था, उनके खिलाफ कोई भी नहीं था और यही लग रहा था कि कल्पना सैनी निर्विरोध चुनी जाएंगी। सदस्य बनने पर उन्होंने पार्टी का धन्यवाद किया है। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर इस समय मौजूद हैं और सर्टिफिकेट कल्पना सैनी को सौंप दिया गया है। राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं डॉक्टर कल्पना सैनी, जिसके बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद भी दिया। राज्यसभा सांसद बनी हैं कल्पना सैनी और जिस दिन से वो उम्मीदवार बनी थी उसी दिन से लगातार उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि कल्पना सैनी ही राज्यसभा सांसद बनेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ भेंट करके लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष परमार्थ निकेतन के संस्थापक चिदानंद मुनिजी महाराज के जन्म दिवस पर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान रितु खंडूरी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में उत्तराखंड से संबंधित कई समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने आहूत होने वाले बजट सत्र के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से जानकारी ली। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि सीएम धामी के लिए पिछले महीने चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद चंपावत सीट पर उपचुनाव हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस जीत का श्रेय विकास को दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए उनको रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की हर नीति का विरोध कर रही है और उसी का परिणाम है कि जनता उसे लगातार नकारने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने को लेकर कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस कहीं भी आगे नहीं थी। भारत की जनता ने अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना और बीजेपी पर भरोसा जताया। पूरे देश में होगा, अब देखेंगे पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल है। चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, जब हम जनता से कटकर जनता की भावनाओं के विपरीत बात करते हैं तो तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता का इसी प्रकार का निर्णय होता है। आप राम मंदिर का विरोध करोगे, आप 3 तलाक का विरोध करोगे, आप कानून, जो नागरिक संशोधन कानून का विरोध करोगे, आप हर ऐसे आप वैक्सीन का विरोध करोगे, आप उत्तराखंड के विकास का विरोध करोगे। तो संभव ही है कि आने वाले समय में जिस प्रकार देश के अंदर वातावरण
कांग्रेस मुक्त का बनता जा रहा है, हम भी आज कह सकते हैं कि हमारे जो इस चुनाव प्रबंधन है और चुनाव की परिस्थिति में 103 बूथों पर भारत कांग्रेस की किसी प्रकार का कोई बस्ता और एजेंट था ही नहीं 151 बूथों पर। तो आज ये कांग्रेस मुक्त विधानसभा हमने की है और कांग्रेस मुक्त आज उत्तराखंड होता दिखाई दे रहा है, एक बड़ा एक विषय कांग्रेस के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार अपना तंत्र और अपना प्रबंधन चलता है। 55 चंपावत विधानसभा की जो चुनाव की मतगणना थी आज वो पूरी हो गई है। कुल मिला के 13 राउंड की हमारी मतगणना रही, इसमें जो हमने फाइनल जो रिजल्ट है उसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको 58,258 वोट मिले और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती निर्मला गैदोड़ी जी रही, जिन्हें 3,233 वोट मिले। इस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के जो बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा वो 55,025 वोटों का रहा है और इसके इसको देखते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत विधानसभा सीट से विजयी घोषित किया। चंपावत उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऐतिहासिक जीत मिली है। जहां पर सीएम धामी 55,000 से ज्यादा वोटों से उपचुनाव जीत गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गैदोड़ी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और सिर्फ 3,000 से कुछ ज्यादा वोटों पर आकर सिमट गई। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की हार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर सत्ता का प्रयोग करके जीत हासिल करने का आरोप लगाया। वोटिंग के दौरान सुबह ही निर्मला गैदोड़ी जी ने शिकायत की कि मेरे 50% से ज़्यादा बूथों में एजेंट्स को नहीं बैठने दिया जा रहा है और उसके बाद दिन में अचानक बिजली गुल होती है 2-2.5 घंटे के लिए और सीसी कैमरे बंद हो जाते हैं, उस समय वोटिंग चल रही है। तो ये सब जांच के विषय, और मैं मांग कर रहा हूं कि रिटायर्ड जज से ये जो बिजली बंद हुई और उस दौरान वोटिंग हुई और सीसी कैमरे बंद रहे लगातार 2-2.5 घंटे, उसकी रिटायर्ड जज से जाँच कराई जाए और परिणाम जो है वो निश्चित ही दुख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर इस तरीके से सरकार चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाएगी तो आगे आने वाले समय में हम लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगे, लोगों के जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको कैसे हम लोग ताकत दे पाएंगे, ये सोचने विषय है। चंपावत का उपचुनाव जो है ये थोपा गया चुनाव था, हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया, हम चुनाव लड़े और पूरे हौसले के साथ लड़े और पूरी शक्ति के साथ लड़े। हमको नतीजा मालूम था लेकिन जिस तरीके से नतीजे के मार्जिन को अर्जित किया गया है उससे बिल्कुल साफ है कि चंपावत के इस चुनाव में सत्ता का घोर दुरुपयोग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोल रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रही है और प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में 2-3 फैसले ऐसे लिए हैं जो कि चिंता का विषय है। पहला फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी लोगों के सत्यापन किए जाएंगे और ये सत्यापन प्रक्रिया एक विशेष धर्म को लेकर की जा रही है। महारा ने कहा कि इससे धार्मिक माहौल खराब होगा और सभी लोगों की जाँच की मांग की जाएगी। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सीनियर्स के द्वारा नव संकल्प लिए गए हैं उनको हम अक्षरशः उसका पालन राज्य में करेंगे और अब जो कमेटियां गठित होंगी, जैसे उसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि नई पीढ़ी के लोगों को नेतृत्व के रूप में डेवलप कैसे किया जाए, उनको नेता के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, उनकी नेतृत्व क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नवसंकल्प क्रियाशाला में ये तय हुआ कि 5 साल से अधिक अवधि एक पद पे कोई भी लीडर नहीं रहेगा। सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। सत्यापन प्रक्रिया की दो बातें इसमें कही गई हैं। कांग्रेस
का धामी सरकार पर बड़ा हमला, और ये बड़ा हमला धामी की जीत के बाद बोला गया है। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मतों से इस समय जीत हासिल कर चुके हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। सरकार सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रही है, ये बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है, कांग्रेस का धामी पर बड़ा हमला और कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि सरकार कई बड़े फैसले ले रही है जिससे कि जनता को नुकसान होने वाला है, ये फैसले नहीं लेने चाहिए। और यही वजह है कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है और बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है उपचुनाव में। चंपावत के उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो चुकी है। सत्यापन प्रक्रिया एक विशेष धर्म की हो रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस का धामी सरकार पर इसीलिए बड़ा हमला। एक नया फैसला फरमान जारी हुआ कि जितनी मजारें उत्तराखंड में हैं वो भूमि किस तरीके से कब्जे की गई, किस तरीके से ली गई हैं, इसकी जांच पड़ताल होगी। ये चिंता का विषय है क्योंकि अनेकों अनेक मंदिर, अनेकों अनेकों मठ, अनेकों अनेक साधु संतों के आश्रम इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में बने हैं। और जब ये बातें आएंगी तो दूर तलक जाएंगी, मज़ारों की जांच होगी तो कोई ना कोई इन मंदिर मस्जिद और धर्म से जुड़े हुए सारी इकाइयों की जांच की मांग उठेगी और धार्मिक माहौल खराब होगा। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन के बाद में प्रदेश कांग्रेस ने 2 दिवसीय नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन कार्यशाला देहरादून में आयोजित की। और वहीं इस कार्यशाला के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कार्यशाला में कई सारे संकल्प लिए गए हैं जिसमें कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। 5 साल से ज्यादा एक पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जो भी पद भरे जाएंगे उसमें 50 वर्ष तक के युवाओं को 50% तक लिया जाएगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सीनियर्स के द्वारा नव संकल्प लिए गए हैं, उनको हम अक्षरशः उसका पालन राज्य में करेंगे। और अब जो कमेटियां गठित होंगी, जैसे उसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि नई पीढ़ी के लोगों को नेतृत्व के रूप में डेवलप कैसे किया जाए, उनको नेता के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, उनकी नेतृत्व क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नवसंकल्प क्रियाशाला में ये तय हुआ कि 5 साल से अधिक अवधि एक पद पर कोई भी लीडर नहीं रहेगा। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा ऐलान सामने आया है, उत्तराखंड को जल्द मिलेंगे 245 MBBS डॉक्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा मार्गों पर ये डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे, चिकित्सा इकाइयों में तैनात होंगे 25-25 चिकित्सक। पर्वतीय क्षेत्रों में दूर होगी अब डॉक्टर्स की कमी। ये धन सिंह रावत का कहना है कि पहाड़ में अब बेहतर इलाज लोगों को मिलेगा, उत्तराखंड को जल्द ही 245 नए डॉक्टर्स मिलेंगे। इन डॉक्टर्स को दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा इकाइयों में नियुक्ति दी जाएगी, जिसके निर्देश जो है विभागीय उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य में संचालित चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ज्यादा ठीक करने के लिए आगामी 3 महीने के लिए 25-25 डॉक्टर्स को यात्रा मार्ग पर स्थित चिकित्सा इकाइयों में तैनात किया जाएगा। यह खुद चिकित्सा मंत्री का फैसला है ताकि यात्रा काल में तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके। पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टर्स की नियुक्ति होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। ये बात खुद धन सिंह रावत ने कही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय चारधाम की यात्रा चल रही है और रास्ते में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। योगेश सेमवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, 245 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जिनकी तैनाती की जाएगी चारधाम यात्रा को लेकर।
जी बिल्कुल, अगर हम देखें चारधाम यात्रा की बात करते हैं जब, तो चारधाम यात्रा में नजर आता है कि पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें या तो यात्रियों की मौत हुई है या फिर अगर कहें तो तबीयत बिगड़ी है। और ये जब हम देखते हैं चारधाम यात्रा में, तो चारधाम यात्रा की जो भौगोलिक दृष्टि है उससे भी देखें या फिर अन्य दृष्टियों से देखें, तो चारधाम यात्रा एक कठिन यात्राओं में गिनी जाती है। जब हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ एक भौगोलिक दृष्टि से भी एक विषम परिस्थिति वाला क्षेत्र है। और इसी तरह से अगर हम बात करें यमुनोत्री या तो गंगोत्री की या फिर बद्रीनाथ की क्यों ना करें, हाई अल्टीट्यूड होने के बाद स्थिति ये होती है कि वहाँ पर कई लोगों की जो है वो तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में डॉक्टरों की तैनाती बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन अब जिस तरह से फैसला लिया गया है कि ये तैनाती 200 से ज्यादा की जाएगी और 25-25 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, तो बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसले से आने वाले दिनों में सीधे तौर पर जो है फायदा मिलेगा उन यात्रियों को जो यात्री जा रहे हैं। जब हम चारधाम यात्रा की बात करें, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, लेकिन जिस तरह से अब जो ये 25-25 डॉक्टरों की बात की गई है, दूर होगी डॉक्टरों की कमी कह रहे हैं खुद धन सिंह रावत, ये सब चीजें से इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में यात्रा थोड़ी सुगम होगी। और सबसे पहली बात ये है कि लगातार अगर हम बात करें तो प्रशासन हो या फिर सरकार, दोनों कह रही है कि आप अपना ट्रीटमेंट या फिर अपना जो है पूरा का पूरा चेकअप करा कर आप पहुंचिए जो भी यात्री आ रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि यात्री इसके बावजूद बिना चेकअप के ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब जिस तरह की तैनाती हुई है, इतना जरूर है कि अगर जिस भी व्यक्ति की ऐसे लगे कि तबीयत खराब है उसका तुरंत चेकअप हो सकेगा और इससे फायदा जो है वो यात्रा में आने वाले यात्रियों का ही होगा। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बंपर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया है। जश्न के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान नरेंद्र नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, निश्चित ही अब मुख्यमंत्री के चुनाव जीतने पर और विकास कार्यों में गति आएगी और आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद जीत दर्ज करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंपावत की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री को अपना वोट देकर भारी मतों से जिताया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत की जनता को विकास कार्यों के रूप में वापस करेंगे। कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो 55,000 के लगभग जो है कि वोटों से जीते हैं, ये जो है मुख्यमंत्री जी की नहीं चंपावत और पूरे प्रदेश के जनता की जो है कि जीत है। जो जीत का आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को मिला है उससे जो है कि उस क्षेत्र की जनता को साधुवाद और जो विकास की गति जो अब जो है कि पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी और मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस चंपावत के अलावा पूरे प्रदेश में अब जो है कि केंद्रित होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में भी जो है कि लोकसभा की जो आने वाले चुनाव हैं उनमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जो है कि बहुत विजय होगी। मुख्यमंत्री का जो प्रदेश में जो एक कार्य जो है कि हुआ उसकी जो है कि जीत का जो नतीजा आज जो है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मुख्यमंत्री की है। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर धामी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद थराली में भाजपा मंडल इकाई के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया और वहीं ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां पर मिठाइयां भी बांटी। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की है और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को यहाँ केवल 3,233 वोट मिले। पुष्कर सिंह धामी की इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत पर थराली भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि खटीमा में हार के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 6 महीने के छोटे लेकिन सफल कार्यकाल को देखते हुए हाईकमान ने दोबारा पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और आज चंपावत की जनता ने भी जनादेश देकर हाईकमान के फैसले को सही साबित कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम को छुएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए चंपावत की जनता का धन्यवाद किया। जीत को पहले तो हम चंपावत की सम्रांत जनता को का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने धामी जी को इतने भारी बहुमत से और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करते हुए इतने मतों से विजयी बनाया। हम चंपावत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे प्रदेश में धामी जी के जीतने पर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत खुशी की लहर है।
सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे उत्तराखंड प्रदेश की ओर से चंपावत की जनता का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही धामी जी के जीतने में पूरे उत्तराखंड प्रदेश में एक खुशी की लहर है। हमारे थराली मंडल में भी पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक हर्षोल्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जश्न मनाया और बाजार में तमाम मिठाइयां बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और इसी खुशी में गदरपुर क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे के निवास पर पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाते हुए मिठाई बांटी। कार्यकर्ताओं ने अरविंद पांडे का माल्यार्पण करके स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौमुखी विकास होगा, जो भी पलायन हो रहा है वो रुकेगा और उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। मैं इस चुनाव के लिए सबसे पहले चंपावत की विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा, क्योंकि चंपावत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए अभियान चला रखा उन्होंने, और उसी अभियान को हमारी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है। इन चीजों को चंपावत विधानसभा की जनता ने बड़े मन के साथ स्वीकार किया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में हमेशा डॉक्टर्स की, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारियों की कमी रही है और आपको बता दें कि उत्तराखंड डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधा कुकरेती ने बताया कि हम अपनी कुछ मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास गए और उनको ज्ञापन दिया। देखिए, हमारी जो मुख्य मांग जो जिस संबंध में हम लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मिले थे, हमारी मुख्य मांग उसमें यही है कि जो प्रदेश में हमारे IPHS के मानक लागू हो गए हैं, उन मानकों के बाद हमारे संवर्ग में नए पदों का जो गठन है वो लगभग शून्य हो गया है। इसमें नए पद कोई सृजित नहीं हो रहे हैं और बल्कि इसमें पदों की संख्या में कमी भी आ रही है। जनपद देहरादून में हमारे पास अभी वर्तमान में जो यहाँ पर कार्यरत फार्मेसिस्ट थे वो 119 थे, लेकिन IPHS के मानकों में कई अस्पताल डिस्पेंसरियों के ख़त्म हो जाने के और उनको बंद कर दिए जाने के कारण यहाँ पर मात्र 73 पद ही फार्मेसिस्टों के शेष रह गए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।